बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल एसएच क्रोशेट। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत एक कैप का डिज़ाइन शेयर करूंगी। बकेट कैप बनाऊंगी आपके साथ, जो कि बहुत प्यारी लगती है देखने में भी और पहनने में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसको पैटर्न भी बहुत ईजी और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगी। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है कि मैंने आपने ये मेरी फ्रॉक देखी है, फ्रॉक का पैटर्न, तो ये फ्रॉक और इसके साथ मैंने ये बनाई थी जैकेट, ये जैकेट बनाई थी। अब इसी के साथ मैं ऊपर बनाऊंगी बकेट कैप। बकेट कैप को बना के तो नीचे हम इसको ऐसी ये बॉर्डर बनाएंगे। तो आए अपने पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आप इसका मेरी जैकेट का और फ्लावर का लिंक देखना चाहते हैं, फ्रॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो से तीन साल की बच्ची के लिए कैप में बनानी है, तो इसको सबसे पहले मैजिक रिंग लेनी है। मैजिक रिंग लेने के बाद रिंग में 3 चेन लेके 11 डबल क्रोशिया, इन टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ट्वेल्व डबल क्रोशिया बनाने के बाद अपने वर्क को यहाँ से टाइट कर देना है और इसको फर्स्ट थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करके यहाँ पे कलर करना है चेंज, यानी हर हमने रो में कलर चेंज करके अपने वर्क को करना है। अब यहाँ पे थ्री चेन ले लेनी है, 1 2 3 चेन लेके सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। नीचे हमारे पास 12 डबल क्रोशिया थे, ऊपर हमने 24 डबल क्रोशिया बना के रेडी करने हैं। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया बन के यहाँ थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दिया। अब यहाँ पे फिर कलर को चेंज करके देखिए ग्रीन कलर को ऐड करना है। फिर 1 2 3 सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 1 चेन स्किप, 1 में 1 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और सेकंड में 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से करते हुए इस राउंड को टोटल कंप्लीट करना है। तो इस राउंड में मेरे पास 42 डबल क्रोशिया बन गए। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, अब यहाँ पे कलर को चेंज करके 1 2 3 3 चेन लेके अब 2 स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाने हैं और थर्ड में 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट 2 में डबल क्रोशिया, और थर्ड में 2 डबल क्रोशिया। थर्ड में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से यहाँ पे इस रो में हमारे पास 12 स्टिचेज और इंक्रीज हो जाएंगे।
टू में डबल क्रोशिया और थर्ड में टू डबल क्रोशिया। इस तरीके से पूरे राउंड को इसको कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फिफ्थ रो में भी हमने इसी तरीके से अपने पैटर्न को रिपीट करना है। यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया थे, यहाँ पे हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 1 स्टिच में 1 और सेकंड में 2 डबल क्रोशिया और फोर्थ रो में 2 में डबल क्रोशिया और थर्ड में 2 डबल क्रोशिया। अब फिफ्थ रो में 3 में डबल क्रोशिया और फोर्थ में 2 डबल क्रोशिया लेना है। थ्री में डबल क्रोशिया और फोर्थ में 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से अपने राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब सिक्स रो में इधर से वर्क को कट कर देंगे और अब इस कलर से अब हमने नेक्स्ट कोई भी स्टिचेस इंक्रीज नहीं करनी, कुछ भी नहीं खाने बनाने। अब हर स्टिच के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया लेके सिक्स राउंड को कंप्लीट करना है। तरीके से सिक्स राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी रो बन के यहाँ पे इस तरह कंप्लीट हो गई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये देखिए टोटल मैंने इसको ये देखिए यहाँ पे ये 5 इंच की मैंने इसकी लेंथ बना के रेडी की है कैप की 2 से 3 साल की बच्ची के लिए। और टोटल यहाँ पे मेरी 13 रोज बन के रेडी हुई है। यहाँ पर हमने 5 रो तक हमने हर रो में हमने अपनी स्टिचेस इंक्रीज की थी। इसके बाद यहाँ पे 1 को हमने हर स्टिच पे डबल क्रोशिया किया, फिर इधर स्टिचेस इंक्रीज की, यहाँ पे हमने 2 3 के बाद की थी, यहाँ 4 के बाद, फिर एक सिंपल बना के, फिर 5 के बाद, फिर सिंपल बना के, फिर 6 के बाद, फिर सिंपल बना के 7 के बाद। इस तरीके से एंड तक रो को कम्प्लीट किया है। यहाँ पर टोटल 13 रो बनाई है, उसके से बनी है। अब हम अपने यहाँ पर नीचे से एंड करेंगे। यहाँ पे अपने ज्वाइन से वर्क को ऐड करना है। वर्क को ऐड करके 1 2 3 3 चेन लेके सेम स्टिच में 4 डबल क्रोशिया और लेने हैं। 1 2 3 4 टोटल 5 हो गए। 5 डबल क्रोशिया का शेल्फ बनाना है। फिर 1 2 2 चेन लेके 1 2 स्किप करके थर्ड में सिंगल क्रोशिया, 1 2 चेन, 1 2 स्किप करके थर्ड में 5 डबल क्रोशिया। टू चेन वन टू स्किप थर्ड में सिंगल क्रोशिया, 1 2 1 2 स्किप थर्ड में 5 डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है। इसको पूरे राउंड में कंप्लीट करना है। देखिए फर्स्ट रो इस तरीके से बनती कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो में कलर को चेंज करना है। कलर को चेंज करके 1 2 3 3 चेन लानी है। नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया और जो इधर थर्ड है, थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया नहीं, इधर हमारे पास फर्स्ट रो में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया थे, थर्ड रो में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया रेडी होंगे। यहाँ पे ठहरेंगे
वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया। इस तरीके से वन टू थ्री, थ्री चेन लेके वन टू थ्री, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन टू थ्री चेन, इस तरीके से सेकंड रो को इस तरीके से कंप्लीट करना है। सेकंड रो में भी बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे कलर को चेंज करना है और थर्ड रो बनानी है। ये देखिए, इसको यहाँ पे सेंटर में अपने जो वन चेन की स्पेस थी वहाँ पे अपने वर्क को ऐड करना है। ठीक है, थर्ड रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमने ये दो, ये टू चेन्स को हमने स्किप कर देना है। टू चेन को स्किप करके यहाँ से अपने वर्क को ऐड करना है। वन टू थ्री चेन लेनी है और इधर टू डबल क्रोशिया, अब वन वन चेन, वन डबल क्रोशिया, फिर टू, वन, अंदर भी टू डबल क्रोशिया, वन चेन, टू डबल क्रोशिया। फिर इस स्पेस में सात वाली स्टिच में टू डबल क्रोशिया, इधर डबल क्रोशिया। अब यहाँ से ट्रैक इधर वन टू स्किप करके इधर वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, वन चेन, टू डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने टोटल 10 स्टिचेस बनानी है। दस हो जाएगी, वन टू स्किप थर्ड में, इस तरीके से फोर्थ रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, फोर रो बना के मैंने अपने पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से मेरी ये फोर रोज बना के मैंने अपने पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। फोर रोज मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने ड्यूटी बनानी है और इसको फ्लावर लगाना है। ये देखिए, सिंपली तीनों कलर्स को इकट्ठा ज्वाइन करके यहाँ पर स्लिप नोट लगानी है। स्लिप नोट लगा के सिंपली हमने चेन्स लेके चेन्स लेके कोट को बना लेना है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग चाहिए। और इसको 3.5 mm क्रोशेट से बनाना है। इस तरीके से इसको बना लेती हूँ।
ये देखिए मेरी कैप का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। मैंने मेरी बकेट कैप कंप्लीट हो गई है। ये मैंने फ्लावर लगा दिए। फ्लावर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में राइट बटन में मौजूद है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो इसके साथ अगर आपको मेरा आज का पैटर्न अच्छा लगे, मेरी कैप का डिज़ाइन अच्छा लगे, तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।